दोस्तों, आप लोगों ने एक न्यूज तो सुना होगा या कहीं देखा होगा कि कतर में 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी पिछले साल अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद थे। फांसी की सजा सुना देने के बाद भारत सरकार ने कहा, हम कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेनेत ने वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार किया और कहा, सारा देश दुखी और परेशान है, सरकार कहती है वो स्तब्ध है। पर वो स्तब्ध क्यों है? अगस्त 2022 से ही अधिकारी कतर की जेल में बंद हैं, इन पर मुकदमा चल रहा था। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है, सजाए मौत का ऐलान हुआ है। ये देश स्तब्ध है, पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है। मोदी सरकार का कहना है कि वो स्तब्ध और शॉक्ड है। पर वो शॉक्ड कैसे है? अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसके चार्जेस, जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं? सुप्रिया सुलेनेत ने आगे कहा, इस दौरान हमने कतर के साथ अपनी कूटनीति की 50वीं वर्षगांठ मनाई। पीएम मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई भी दी। कतर के शासक का G20 में स्वागत सम्मान किया। लेकिन सरकार ने इस दौरान अपने अधिकारियों की सुरक्षित वापसी के लिए कुछ क्यों नहीं किया? आप भी सुप्रिया सुलेनेत का ये वीडियो देखें और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहां पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं की गई? सोचिए क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर और शुभचिंतकों पर। और सरकार ने न सिर्फ उनके परिवारों की या एक्स सर्विसमैन लीग की अवमानना करी, पर सरकार ने नजरअंदाज किया विपक्ष के सवालों को। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है, लेकिन सेना के, नौसेना के, एयरफोर्स के किसी भी जाबाज के शौर्य और पराक्रम का सही सम्मान तब है जब उनकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सके। तो आज वो हर संभव प्रयास करना पड़ेगा सरकार को, जिससे ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी सुरक्षित वापस अपने घर लौटे। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।